गीता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में पूजन के बाद से ही लगातार नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। इससे पहले AIMIM चीफ अवैसी ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया था और अब संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी, वहां इस्लाम का कानून है। इसके साथ ही डॉक्टर बर्क ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के कपड़ों को लेकर भी तीखा हमला किया। दरअसल संभल के सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और अब बर्क ने मंदिर मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया। डॉक्टर बर्क ने कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी, या इस्लाम का कानून है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान यह न समझे कि वो किसी के रहम करम पर जिंदा है, बल्कि मुसलमान ऊपर वाले के रहम करम पर जिंदा है। उन्होंने कहा है कि इस देश के लिए मुसलमानों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है उसे दुनिया भुला नहीं सकती। जिस तरीके से आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या कहेंगे आप? हकीकत तो ये है कि वहाँ वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है जहाँ एक जो बाबरी कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से, तो वो जमीन वो सब मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। इस्लाम का कानून इसलिए ये यहाँ पर जिन हालात में भी हमारे, क्योंकि हम यहाँ ये BJP की सरकार है और RSS की हाईटेक सरकार है, इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर अमल किया गया है मुसलमान ने बहुत सब्र से काम किया है और बहुत ही मिजाजी के साथ बहरहाल उनको इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। लेकिन ये मैं ही कहना चाहता था संघ बुनियाद रखना जमहूरियत का खत्म करना है और सेकुलरिज्म का खत्म करना है। ऐसा बहरहाल इस जमहूरी मुल्क के अंदर ये जो अमल हो रहा है, इस अमल पर उन्होंने शायद कभी और नहीं किया कि हम जो कुछ भी यहाँ पर ये कर रहे हैं बहरहाल किस बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक है, जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो संघ बुनियाद रख दी और अदालत से भी अदालत ने अलिया से भी अपने फेवर में करा लिया, तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ नहीं है। लेकिन हमने सब से काम किया और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इस बात को अल्लाह की दिया। मोहन भागवत ने अब तक भगवा नहीं अपनाया था, भगवान नहीं बनते थे, लेकिन आज पूरी तरह से वो भगवा हो चुके हैं। इस पर आपको कुछ कहेंगे? मोहन भागवत ने अभी तक भगवा नहीं अपनाया था। हाँ। वो भगवा का चोला नहीं पहनते थे, वो नहीं पहनते थे, आज पहने हुए थे। आज तो उन्होंने वो अपने अमल से पहन कर बता दिया कि मैं भगवा हो गया। तो इस हालत में ईश्वर की सबका जहन सबने जो कुछ भी किया है सबके मशवरे से ये नींव रखी गई है, लेकिन मुसलमानों को इससे बिल्कुल कौन सदा होने की जरूरत नहीं है। चूँकि अल्लाह ना अहिया अल्लाह के भरोसे पर जिंदा इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे और हम कानून शिकनी कभी नहीं करेंगे। हम कानून के आइन के दायरे में है जो करते हैं करेंगे और आइन की हिफाजत के लिए उनका इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिफाजत के लिए पर हमें पूरा ख्याल रखना है और उनको बचाने के लिए हमें सारी। लेकिन सलमान इससे मायूस ना हो, घबराए नहीं ना, ये हम कोई मोदी और योगी के ऊपर यहाँ जिंदा नहीं है उनके रहम करम पर, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर यह जिंदा है और हमने इस देश को जितनी बड़ी कुर्बानी दी है आज वो उसको भुला नहीं सकते।